मोटो आराम से लगा, सच में लग रही है उसमें गोदी में आने के लिए इतना गुस्सा कर रहा है। ए रुक जाओ, सूई जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो रात में अच्छी खासी बारिश हो गई है, अभी भी पता चल रहा है पूरा पानी भरा भरा है। बाकी ये देखो अपनी कार, अब तो पानी ऑलमोस्ट सारा सूख गया इसके अंदर, वरना उस दिन तो मैं डर ही गया था। मैंने कि भाई क्या हो गया, मतलब कुछ ख़राब वराब ना हो जाए कार के अंदर, बट शुक्र है कुछ ख़राब नहीं हुआ। तो फिलहाल 6:30 बज गए और अपन चलते हैं जिम। मौसम देखो क्या ज़बरदस्त हो रहा भाई, और बाइक की ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। बट धुलाने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, धुलाऊँगा फिर गंदी हो जाएगी। ये देखो भैंस की आँख। गाइस आज जिम से हो गए हैं जल्दी फ्री, सभी लोग चले गए हैं और अभी 10 भी नहीं बजे, अभी 9:45 बजे हुए हैं। आज सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है लगातार, तो बारिश में वैसे भी लोग कम ही आते हैं, तो इसी वजह से जो भी आए थे वो भी जल्दी चले गए और जो लेट आते थे वो आज आए नहीं। तो हम भी चलते हैं फटाफट से घर। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जल्दी भूख लग जा रही है, वरना मेरे को 10 बजे तक इतनी जल्दी भूख नहीं लगती थी, आजकल बहुत जल्दी लग जा रही है। चलते हैं घर, कुछ खाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दिख नहीं पा रहा मुझे कितनी लगी है। ए रुक जाओ, सूजी आ गया पूरा। अरे हाथ मुड़ नहीं रहा पर मेरा, ये इसे इसे ना पूछ के इस पे कुछ लगाओ पहले, हालत ही खराब हो गई भाई। ये तो खून भी निकल गया थोड़ा, ये सूजी कैसे गया, जगह जगह सूजा है ना, इकट्ठा ही सूजा। अभी थोड़ी देर में मर जाएगा, ताजी लगी है ना तो पता नहीं चल रहा है। भाई साहब पूरे शरीर में कहीं नहीं लगी, बस ये देखो पूरी तरह चोट लगी है, और अभी तो ताजी ताजी लगी है तो पता नहीं चल रहा है मुझे, और बाद में पता चलेगा कितनी जोर की लगी है। खतरनाक की हालत हो गई भाई। वो ऐसा मैं जिम की सीढ़ी से उतर रहा था तो सीढ़ी पे गिर गया पानी, और मुझे लगा मैंने कि ये फिसल नहीं है, इसलिए मैं साइड से निकल के आ रहा था सूखे सूखे में से, फिर भी फिसल ही गया। हे भगवान, खतरनाक ही चोट लगी। लगाओ इस पर कुछ, अब लगाओ भाई हल्दी सरसों का तेल, आराम से लगाना, दर्द हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा। वो चोट लगी है मेरे चैम, तुम गोदी में आके बैठ गए हो। मोटो आराम से लगा, सच में लग रही है उसमें। अभी तो ये ताजी ताजी लगाए इसलिए इतना सूजा नहीं है, मुझे लगता है बाद में सूज तो जाएगा ये भी। भाई गिरने के 5 सेकंड में ही सूज गया था इतना जितना अभी सूज रखा है। ये सरसों का तेल और हल्दी लगाने के बाद सुनसनाहट सी मच रही है, अजीब सी ऐसा लग रहा है, मतलब जो क्या बोलते हैं खुजली सी हो रही है इसमें, खून को रोकती है। अच्छा देख गोदी में आने के लिए इतना गुस्सा कर रहा है, मैं कैसे लूँ तेरे को बेटा, लग रही है मेरे हाथ मुड़ नहीं रहा मेरा है। अरे भाई अरे भाई, नाश्ते में पहली बार देख रहा हूँ मैं भेलपुरी सही में। परात में दिखाओ, परात में क्या, तो परात में बनी है ना वो, परसी तो प्लेट में जा रही है ना। हाँ मेरा हाथ नहीं हिल रहा यार, मैं तब भी ठीक है, उल्टे हाथ में लगी है, सीधे हाथ से खा तो लूंगा कम से कम, पर वर्कआउट कैसे होगा भाई मेरा। सो गाइस अभी चलते हैं अपने सप्लीमेंट स्टोर, बाइक चलानी पड़ेगी इसी हाथ से, सुबह तो ताजी ताजी चोट लगी थी तो आराम से चला ली थी, अभी हल्का हल्का पेन हो रहा है। बाकी आज चोट की वजह से नहाए नहीं है भैया, वरना चोट भीग जाती पानी से तो और ज़्यादा पक जाती। चलो मुकुल बहुत जल्दी, अभी चलते हैं फटाफट से, हल्की हल्की बूंदें फिराने लग गई हैं, अब तो बरसात आ गई, हर समय बारिश होती रहती है। तो हुआ ऐसा कि जब मैं घर जा रहा था तो बारिश हो रही थी, तो बारिश का पानी ना सीढ़ी के ऊपर गिर गया था, तो मैंने सोचा साइड से निकल जाता हूँ। मैं साइड से निकल रहा था और मैं भाई साहब फिसल गया एकदम से, आधी सीढ़ी में जाके रुक गया, तो मैंने उठने की कोशिश की, और उठने की कोशिश के चक्कर में ना भाई साहब और स्पीड से खिसक गया और पूरा नीचे तक पहुँच गया और चोट लगी खतरनाक वाली। मैं नहीं कर रहा आज वर्कआउट, ये क्या हुआ, ये चेक करो कितनी पी है, कितनी। अरे भाई अबे पीने से थोड़ी ना होती चीजें, तो ये चोट लगी है गहरी, कल के वीडियो में पता चलेगा, खतरनाक ही चोट लगी भाई, कमर में भी लगी है। 2000 years later. So guys, देख रहे हो आप लोग 11 बजने वाले हैं, 2 मिनट कम है, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था कि वीडियो भी शूट करना है, मैंने अधूरा छोड़ रखा है। तो देख रहे हो कितना लेट जा रहा हूँ मैं घर, बाकी वीडियो हम घर जाके कंटिन्यू करेंगे, 11 बजने में 2 मिनट कम बस। यहाँ तो लाइट भी नहीं है, मौसम भी एकदम ठीक है, लाइट कब गई,
मौसम तो एकदम बढ़िया, फिर भी लाइट नहीं है घर में। लाइट चली गई है, ये देखो खिलौना कितने बिखरे फिर रहे हैं यहाँ पे। चैंप के काम होंगे, उसी ने फेंके होंगे ये सारे। वैसे देखा जाए तो आज का दिन ही ख़राब था। देखो सुबह ये लगी थी यहाँ पे पूरे हाथ में, और ये चेक करो, शाम को भयंकर जिम में कुछ काम कर रहा था मैं, मतलब प्लास से ये देखो ये थोड़ी सी दबी थी और ये गांठ बन गई खून की पूरी। पता नहीं भाई आज का दिन ही ख़राब था, पता नहीं किसकी शक्ल देखी मैंने आज। भाई लड़का कैसे सोया, वो तुम्हारा हेडक है, मैं अभी जिम से आया हूँ, मुझे खाना खिला दो पहले। भाई साहब मैं जब से जिम में आता हूँ ना तो तुम एक नहीं सो लेती हो आराम से। बस करो। कितने बजे सोई थी? भाई मैं सोई नहीं हूँ, बस बोल रहा हूँ, बस जम्मू को छोड़ के आने के आधा पौन घंटे बाद ही मैं सुला दी, सोती नहीं हूँ। ठीक है अच्छा। तो अभी भी नींद में लग रही है मुझे। बस करो, बंद करो। जो सच है वो सच है, जल्दी खाना लगा था, भूख लगी है बहुत तेज। तो ये आ गया है अपना डिनर, कड़ी और दाल रोटी अचार, तो फटाफट से खाते हैं। ऐसा क्या मठा के आलू है? कोई बात नहीं, मैंने कड़ी बोल दी थी भाई, मठा के आलू है ये। और 11:15 बज चुके हैं, फटाफट से खाते हैं भाई, सोते सोते डेली 12 बज जाते हैं।